सो हेलो गाइस, सीधे अपडेट की तरफ चलते हैं। सो पहले अपडेट आ रही है योयो हनी सिंह की तरफ से। सो योयो हनी सिंह का एक न्यू इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने क्या बोला है तो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। कुछ अलग करने का, लोग कह रहे हैं पुराना हनी सिंह चाहिए, पुराना हनी सिंह चाहिए, लेकिन मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि पुराना हनी सिंह क्या करता था, अपने ही गानों को दोबारा नहीं बनाता था। योयो की बैंड मतलब ये सब करना चाहो तो बहुत आसान है, लेकिन बाकी लड़के कर ही रहे हैं। मुझे कॉपी और ये सब कर ही रहे हैं 5-7 साल से, तो इंडस्ट्री में काम करा लॉट ऑफ पीपल और फिर भी मुझे इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट अपडेट आ रही है बादशाह की तरफ से। तो बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरी डाली थी, तो पहली स्टोरी में आप देख सकते हो कि बादशाह बुगाटी में बैठे हैं शायद। सो दूसरी स्टोरी आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, और तीसरे में कुछ ऐसा लिखा था व्हाट कलर इज योर --? और गाइस अगली स्टोरी में कुछ ऐसा लिखा था सपना देखना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, दुनिया को बताना जरूरी नहीं लेकिन खुद को पता होना बहुत जरूरी है। देयर से वर्क स्मार्ट, आई से वर्क हार्ड, इट्स फॉर योर सेल्फ। सो गाइस इस सबसे तो यही लग रहा है कि बादशाह ने बुगाटी खरीद लिया। सो आपको क्या लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस नेक्स्ट अपडेट आ रही है बोहेमिया पाजी की तरफ से। सो इंडिया हिप हॉप और देसी हिप हॉप और पाकिस्तानी हिप हॉप, इन सबके बीच कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है। सो इसके ऊपर बोहेमिया ने भी कुछ बोला है अपने इंटरव्यू में, तो मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ। I invented it. There's no confusion. There's most recently, there were some negative situation that came up. Some artists, some middle people that started really, they took the whole thing in a very negative direction, which I really, I'm working very hard. Desi hip hop is everybody's genre. And I made it, I made the word Desi hip hop. So it's coming from the guy who invented the word. So please, let's stop that. This is Pakistani hip hop, Indian hip hop, this is American hip hop, this is no. तो गाइस इसके ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। सो नेक्स्ट अपडेट आ रही है अंगोर एबीजे की तरफ से। जो अंगोर एबीजे है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी जिसमें कुछ ऐसा लिखा था यूजिंग सिद्धू मूसेवाला इंस्टाग्राम अकाउंट इज सो रॉन्ग देन मी नॉट हेयर एनी मोर हिम सो प्लीज। सो गाइस नेक्स्ट अपडेट आ रही है रफ्तार पाजी की तरफ से। सो जो रफ्तार पाजी और काश्मीर का कोलैब ट्रैक के लेगेसी वोट आउट हो चुका है। जो काश्मीर है उन्होंने कमेंट किया है जिसमें कुछ ऐसा लिखा है रिस्पेक्ट टू रफ्तार भैया, करम ट्रैक लिस्ट इज नेक्स्ट, गेट रेडी। सो गाइस इन सब पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।